ऑफलाइन है टॉप क्वालिटी। और दूसरा जो बच्चा है ये सब पॉसिबल स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू स्प्लिट। इसमें से आप देखिए, इसमें ये थर्ड क्लास का बच्चा है, लार्जी क्वालिटी, ये थर्ड क्लास का बच्चा आपका तीन पीस आया है। इसमें दो कोबल्ट ऑफलाइन आया है। अच्छा, ये एक रेडाई म्यूटेशन है, ये नया बहुत क्रेज में आया है, ग्रीन पेल फैलो फिशर है ये। हाँ, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज एक काफ़ी अच्छा सेटअप पे आए हैं टीएम एवरी। तो टीएम एवरी का बारे में आप लोग काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बा फेसबुक पे ये लोग काफ़ी खूबसूरत बार्स बा हाई म्यूटेशन लाभबर्ड का पोस्ट करते हैं और काफ़ी सारे लोग देखते भी है, पसंद भी करते हैं। उसी जगह से मैं भी काफ़ी दिन से इन लोग को फॉलो कर रहा हूँ, इनका जो क्वालिटी बार्स है उनको। तो उसी जगह से काफ़ी दिन से मेरा ख्वाहिश था एक दिन आने के लिए, तो सही जगह से भाई लोग ने इनवाइट किया था काफ़ी दिन से, हाँ, आने के लिए सोच रहे थे। तो आज फाइनली टाइम मिला तो उनका सेटअप विजिट करने के लिए आए हैं। तो भाई लोग मेनली लाभबर्ड के ऊपर ही काम करते हैं, हाई म्यूटेशन जो लाभबर्ड है उनका ऊपर ही काम करते हैं। और आके मैं जो देखा हूँ ये लोग स्पेशल डिफेंस ऑपरलाइन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और अभी जो भी बार्स है 80% 90% ऑपरलाइन भी है, और इतना क्वालिटी बार्स मैंने पहले नहीं देखा हूँ ऑपरलाइन। हाँ, मैं बाई हार्ट कह रहा हूँ आपसे, इतना क्वालिटी बा ये जो हाई म्यूटेशन होता है। अब ऑफलाइन का तो बुखार व क्रेज अभी ऑल ओवर वर्ल्ड पे चल रहा है, हमारा कोलकाता में बा वेस्ट बंगल में तो उसका आप लोग भी जानते हैं। तो उसी बार्स का वो दादा लोग ने जो काम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, इतना क्वालिटी चीक्स आया है दादा का एवरी में। तो अभी तो ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो गया है, तो काफ़ी सारा बार्स काफ़ी सारा चीक्स आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बार्स दिखाने से पहले भाई लोगों से आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए दादा। मेरा नाम मुजम्मिल अली है। अच्छा, और ये मेरा भाई है। मेरा नाम तुजम्मिल अली मुल्ला है। अच्छा, तो आप दोनों को वेलकम करेंगे कोलकाता लाभबर्ड पे। तो काफ़ी खुश हूँ दादा, आप लोगों ने इनवाइट किया, आपका सेटअप देखने का मौका दिया, सारे व्यूअर को इतना अच्छा बार्स देखने के लिए मौका दिया, इसके लिए थैंक यू दादा। हमारे तरफ से भी आपको बहुत अभिनंदन, आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम लोग बहुत दिनों से आपके चैनल के पहले के दिन के टाइम से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आपका काम बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो नॉलेज देते हैं बर्ड्स के रिगार्डिंग और बर्ड्स के केयरिंग के रिगार्डिंग, वो बहुत ही हम लोगों को ब्रीडिंग में भी बहुत सारा हेल्प मिला है उसी इन्फॉर्मेशन से। और इसी से मैंने आपको तो इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन। नहीं, थैंक यू दादा। इसके एक्चुअली क्या है, आज आके फ्रेंड्स आप लोगों का बार्स देख के मतलब जो फैन कहते हैं आप लोग, मैं दीवाना हो गए हूँ आप लोगों का। जी भाई, मतलब ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन नहीं है, बढ़िया है। नहीं, बड़प्पन नहीं, एक्चुअली देखिए ऑफलाइन लेके तो हम लोग सोचते हैं, मैंने तो जस्ट कुछ बार लेके आया, मेरा बात सोरिया, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं जो ऑफलाइन लेके काम स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने ऑफलाइन के ऊपर इतना सक्सेस, और आज का वीडियो वो सारा फैंसियर को बा लाभबर्ड के ऊपर जो लोग आना चाहते हैं उनको इतना इंस्पायर करेगा, मोटिवेशन करेगा, ये मैं अभी से समझ रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंस्पायर करेगा काफ़ी सारे लोगों को, इसके लिए आपको मैं हम लोग थैंक यू बोलेंगे जो आपने दिखा दिया है, आप लोग दिखा दिया जो ऑफलाइन के ऊपर काम करना। ऑफलाइन जस्ट ये बार्ड एक म्यूटिशन है लाभबर्ड में, इनका ब्रीडिंग करना, इनका डेवलप करना कोई ऐसा डिफिकल्टी बार्ड नहीं है, ये भाई लोगों ने आज दिखा दिया। तो सारा बार्स आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो पहले कुछ सवाल मैं कहना चाहूँगा सारे व्यूअर न्यू फैंसर के लिए, दादा आप लोग इस फील्ड पर कब से हैं? ये लगभग हम लोग 2009 से कर रहे हैं। 2009 से करें, तो पहले क्या लाभबर्ड से स्टार्ट किया था? नहीं, पहले जो हमेशा सब लोग करते हैं बजीज से, बजीज फिंचीज नॉर्मल जो बार्स है इससे हम स्टार्टिंग किया, छोटा बर्ड था उसी से हम लोग ने स्टार्ट किया। तो लाभबर्ड पे आप कितने साल, मतलब ऑफिशियल या लाभबर्ड म्यूटिशन पे कौन सा साल से काम स्टार्ट किया? लगभग 8-9 साल हो गया है। 8-9 साल आठ नौ साल आप मेहनत किया, उसके बाद आज इस जगह पर आए। हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक प्रूफ हो गया जे बार्ड ब्रीडिंग फील्ड में हरबरी का शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। इस फील्ड में आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं, आपको मेहनत करना होगा, आपका मेहनत फिर एक टाइम पे जाके रंग लाएगा। राइट। तो 8-9 साल का मेहनत, हार्ड लेबर, डेडिकेशन के बाद आज इस जगह पे भाई लोग आए हैं कि ऑफलाइन का ऊपर, सिर्फ ऑफलाइन का ऊपर काम कर रहे हैं, और इतना सारा ऑफलाइन एक साथ बीट करेगा इस साल में। और ये मेरा ये कभी खुशनसीब भी है, क्योंकि भाई लोगों का एवरेज एकदम मेरा घर का नज़दीक है,
मेरा घर से बाई बस बाई ट्रैवल 15 से 20 मिनट लगता है मैक्सिमम। तो ये मेरा बैड लक है जो इतना दिन बाद में आया, इतना दिन बाद मौका मिला मुझे ये सेटअप हीट करने के लिए। तो ऑफिशियली आज से ये भी एक कोलकाता लाभ का सेटअप है, ठीक है। तो हर वीक हर साल आप लोगों का अपडेट मिलेगा, भाई लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या क्रिएशन करना चाहते हैं, क्या क्या म्यूजिशन जनरेट करना चाहते हैं, और दादा लोग भाई लोगों का जो भी एक्सपीरियंस नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो भी नया फिल्म आ रहे हैं जो भी काम करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। हम लोग जो इतने साल से ब्रीड कर रहे हैं, करने के बाद जो हम लोगों को नॉलेज गेन होता है, ये हम लोग ब्रीडर जो है कोलकाता में जितना भी ब्रीडर है वेस्ट बंगाल में, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ये नॉलेज शेयर करते रहें। इससे ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है ये बहुत ही ग्रोथ कर जाएगा और इससे हम लोगों को ही आखिर में बहुत ही लाभ मिलेगा। हाँ एकदम सही बात है, मतलब इस फील्ड पे सभी को यही सोचना चाहिए, जो हम सीखा हूँ जो मुझे पता है वो आगे भी हम लोग फॉरवर्ड करें, बस शेयर करें। वही बात है, और ये ऑफलाइन जो हमने सीख लिया अपने पास रखूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, वो नॉलेज आपके किसी को काम नहीं आएगा। आखिर में वो जो नॉलेज आपने शेयर नहीं किया वो घूम फिर के आपका ही नुकसान कर देगा किसी की तरफ से। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तरफ आपने खाना बनाया है घर में, कुछ खाना आपके खाने के बाद बच गया है, आप क्या करेंगे, उसको ढक के रख देंगे, मैं किसी को नहीं शेयर करूँगा। कुछ देर बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, वो खाना ख़राब हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा उसमें। उसी तरह ये नॉलेज है, अगर जो एक्सेस है जो आपने ज़्यादा बना है वो आप लोगों में शेयर नहीं करेंगे वो आपका ख़राब होगा। राइट, वो आपको वो नॉलेज किसी भी काम का नहीं है जो दूसरों के काम में मदद ना लाए। आपने जो सीखा है, आपने जो जाना है वो दूसरों में शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो अगर कोई दूसरा फेस कर रहा है तो उनको बताइए कि इनसे कैसे निकला जा सकता है, कैसे इनसे रिकवर किया जा सकता है, तो ये किसी काम का है, ये आपको भी फ़ायदा देगा आखिर में, और आप जिसको बता रहे हैं वो भी बहुत ही फायदे में रहेगा। राइट, एकदम सही कहा। देखिए फ्रेंड्स, लाभबर्ड का खाना पीना, मेडिसिन, कैल्शियम, ये सब तो मैं काफ़ी सारा वीडियो में शेयर किया हूँ। हाँ, तो दादा लोग भी वही सारा चीज़ ही देते, कोई माना एक्सटर्नल व कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं देते, तो उनका पास वो सब चीज़ के ऊपर मैं जाऊँगा अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन दादा लोग का पास आया हूँ जो वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो चीज़ इससे पहले हम लोग जान नहीं पाए, बस जो चीज़ दादा लोग को पता है वो सारा चीज़ के ऊपर मैं पहले फोकस करूँगा, वो सारा चीज़ मैं दादा लोगों से जानने का कोशिश करूँगा। ये दादा आपके पास ये जो ऑफलाइन मैंने देखा हुआ बार, ये जो क्वालिटी टॉप क्वालिटी का जो बार्स आपने प्रोड्यूस किया है अपना घर में, ये जगह पे आने के लिए भाई, ये काम करने के लिए कौन सा चीज़ को मेंटेन करना एस बिगिनिंग स्टेज पे काफ़ी ज़रूरी है, ये थोड़ा अगर बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए क्वालिटी चीज़ कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो ऑफलाइन म्यूटेशन है, हाँ, ये जितना खूबसूरत है उतना डेलिकेटेड है, और अगर थोड़ा सा भी उसमें 19-20 का होगा तो वो बहुत आँखों में बहुत खटकेगा। हाँ, ग्रीन में ले लीजिए, ब्लू में ले लीजिए, पार ब्लू में ले लीजिए, अगर ऑफलाइन का प्रॉपर हुड मास्किंग फेदर्स जो फिश स्केल मार्क है वो वाला टेल का मार्क, वो अगर थोड़ा सा भी 19-20 का फ़र्क रहेगा तो आपको आँख में बहुत खटकेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बर्ड ठीक क्वालिटी का नहीं है। ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। हाँ, इसीलिए आपको जब आप ऑफलाइन खासकर ऑफलाइन ब्रीड कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ बातें पहले से ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इसका ब्लड लाइन आप एक काम कर रहे हैं, आप किसी ब्रीडर से खरीद रहे हैं, किसी मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा बर्ड आप कोशिश कीजिए 90% टाइम किसी ब्रीडर से खरीदने के लिए। ब्रीडर से ख़रीदने से आपको ये फ़ायदा होगा कि उसका पेरेंट का, उसका प्रो पेरेंट का जो हिस्ट्री है वो आपको मिल जाएगा, आप देख के लेके पाइएगा कि जिसका बच्चा है उसका पेरेंट का क्वालिटी कैसा है, ये आपको पहले से पता चल जाएगा। और एक बात है कि आप जो उसका कोई खामी रहेगा अगर उसमें, तो वो आप पहले से जान जाइएगा ब्रीडर के पास से लेने से। अच्छा, ये गया एक बात। और ऑफलाइन में आप ले लिए बर्ड, उसको आप ब्रीड करवा रहे हैं, एक बात हमेशा समझ के चलना पड़ेगा हम लोगों को, अगर ऑफलाइन में सपोज़ 4 चीक आया है तो चारों के 4 चीक पूरा प्रॉपर पेपर वाइट मिल्की वाइट हुड ऐसे हुड लेके वो बच्चा नहीं पैदा होता है। अच्छा, हाँ,
कुछ कुछ बच्चा आपका एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का निकलेगा और कुछ बच्चा पेरेंट्स से भी अच्छा क्वालिटी का निकलेगा और कुछ बार निकलेगा पेरेंट्स की तरह होगा, कुछ बार निकलेगा थोड़ा ऊपर नीचे मास्टर के ऊपर पैच रहेगा, ब्लैक ज़्यादा होगा इसके तो, और जो बच्चा है उससे वो रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा थोड़ा पैच लेके निकला है वो बच्चा ख़राब है। अच्छा, ऑफलाइन किसी भी बर्ड म्यूटेशन में, खास करके ऑफलाइन में, आपको एक बर्ड का जो 100% पोटेंशियल है, जो 100% वो क्या कर सकता है, उसका मार्किंग क्या है, उसका स्टांस कैसा है, वो पता चलने के लिए कम से कम आपको 2 साल का टाइम देना पड़ता है। उसका मोल्टिंग का प्रोसेस है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसका बोन स्ट्रक्चर प्रोसेस है, उसका हार्मोनल ग्रोथ होना बाकी है। वो अगर पूरा पूरी रहेगा तो उसके फेदर में शाइनिंग आ जाएगा, उसका हुड पूरा प्रॉपर पेपर व्हाइट एकदम मिल्की व्हाइट क्लियर हो जाएगा, साइज भी आ जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो आप क्या रिक्वायरमेंट कहिए बर्ड में, और 2 साल के बर्ड में ऑफलाइन बर्ड अगर हो, आप अगर उसका दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना डेवलप कर जाएगा 2 साल में वो बर्ड। तो आप लोग क्या रिकमेंड कर लीजिए, अगर ऑफलाइन को बीट करना है तो 2 साल में बीटिंग बीटने में अच्छा होता है? 2 साल, 2 साल देखिए किसी भी बर्ड के लिए आपको कम से कम 1 साल से 1.5 साल का टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा लबर्ड में, कोई भी म्यूटेशन हो, कोई भी म्यूटेशन हो। अगर अच्छा ब्रीड आप उससे लेना चाहते हैं, अगर अच्छा चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म आप उससे ब्रीड लेना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बर्ड लेके आए, आपको 2 क्लच मिला 4 क्लच मिला, नेक्स्ट ईयर आप उस बर्ड को सेल कर देंगे या दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अगर कोई बर्ड आप खरीद रहे हैं तो उससे लॉन्ग टाइम बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर लबर्ड लॉन्ग टाइम का ही बर्ड है, 2-3 साल का, 2-3 साल के लिए लबर्ड नहीं है, तो 8 से 10 साल वो तो ब्रीड करेगा ही करेगा ही आपके पास। अगर प्रॉपर में आप प्रॉपरली आप उसको केयर कीजिएगा, प्रॉपर एज में अगर उसको आपको ब्रीड कीजिएगा तो आप ही देखिएगा, अगर वो 6 अंडा दे रहा है तो 6 के 6 फर्टाइल हो रहा है, 6 के 6 बच्चा वो सेल्फ कर रहा है, अच्छी तरीके से पाल रहा है और अच्छी प्लमेज अच्छा फेदर स्ट्रक्चर के साथ वो बड़ा होके आपको मतलब रिजल्ट अपना शो। अगर 1-2 साल में उसको हम ब्रीडिंग में लगाएंगे तो सारा बेनिफिट मिलेगा एकदम। और एक चीज़ है, आप जब बर्ड खरीद रहे हैं, मैं इसीलिए आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप ब्रीडर के पास से खरीदिए, क्योंकि वही मैंने जो पहले बोला था कि एक क्लच में 4 बच्चा अगर आएगा तो 4 के 4 एक क्वालिटी का नहीं आएगा, 19-20 रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा थोड़ा डाउन क्वालिटी का है ख़राब बर्ड है, वो आपको आखिर में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप पेरेंट देख के लीजिए, मोल्टिंग करेगा ना बर्ड, साल भर में मोल्टिंग करेगा, जो 12 महीने में एक बर्ड का मोल्टिंग होता है, वो मोल्टिंग के बाद आपको पता चलेगा कि ये बर्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका। हाँ, मैंने भी काफ़ी सारा बार्ड्स देखा हूँ मास्किंग में, तो दादा को लोग को बोला दादा इतना अच्छा क्वालिटी है लेकिन ये 2-1 बार्ड में मास्किंग कैसे आ गया, तो दादा लोग ने कहा दादा ये मास्किंग नहीं रहेगा, आप देखिए बोल के मुझे दिखाया अभी दादा ने प्रैक्टिकली, ये मोल्टी मतलब ये मास्किंग चला गया, बच्चा लाया था, लेकिन कुछ बार्ड्स में तो मास्किंग रह जाता है एकदम। अगर कुछ बार्ड्स में मास्किंग रहेगा तो वो बर्ड भी ख़राब नहीं है। अच्छा, आप ये समझ के चलिए खराब कोई भी बर्ड ख़राब नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप में उतना पेशेंस है, अगर आपको पता है कि ये काम कैसे करना है आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मगर इसको उसको फिर से ग्रीन ऑफलाइन के साथ घुमाना पड़ेगा, ग्रीन ऑफलाइन के साथ आप उसको ब्रीड कीजिए, अच्छी क्वालिटी का जो ग्रीन वाइल्ड फिशर है उसके साथ, ग्रीन फिशर है उसके साथ आप ब्रीड कीजिए, वो अपना स्प्लिट प्रोड्यूस करेगा पहले साल में, स्प्लिट प्रोड्यूस करवा के आप उसको फिर से अगर आप किसी को बताइएगा, सेकंड जनरेशन जब फिशर से स्प्लिट होकर फिर से वो विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आप अगर किसी को बताइएगा कि ये बर्ड का पेरेंट ये था, कोई मानेगा नहीं। और हम लोगों को चाहिए कि विजुअल बर्ड से स्प्लिट बर्ड की तरफ हम लोग ज़्यादा तवज्जो दें, ये हम लोगों को चाहिए, हम लोग विजुअल बर्ड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, स्प्लिट बर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं। मेरा जो जानकारी है दादा, आप लोग सही है कि गलत है बताइएगा, स्प्लिट में एक्चुअली क्या होता है, ब्लड लाइन भी कभी स्ट्रांग होता है, स्प्लिट में साइज का भी अच्छा आता है, स्प्लिट में आपका बच्चे का क्वांटिटी भी ज़्यादा आता है, तो स्प्लिट से अगर विजुअल में जो बच्चा आता है उनमें काफ़ी सारा एडवांटेज रहता है। ठीक है, सही है गलत है? एकदम ये बात मैं आपको बता दूँ, ये जो जितना सारा म्यूटेशन अभी वर्ल्ड में, लबर्ड के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितना सारा म्यूटेशन अभी है वर्ल्ड में, ये सारा म्यूटेशन एक जेनेटिक एरर के वजह से क्रिएट हुआ है। हाँ, जेनेटिक एरर के वजह से क्रिएट होता है, तो
क्या होता है, अगर आप एक ही स्पीसीज़ को बार बार आपस में ब्रीड कराते रहिएगा, ऑफलाइन टू ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन टू ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन टू ब्लू ऑफलाइन, पर्पल ऑफलाइन टू ब्लू ऑफलाइन, तो क्या होगा, ये जो एरर है ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे आप देखिएगा, दो चार जनरेशन ब्रीड करने के बाद उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, फेदर स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, पैरालाइज्ड बर्ड पैदा होगा। तो आपको हमेशा चाहिए कि आपको उसको प्योरिटी की तरफ लाना पड़ेगा। प्योरिटी की तरफ कैसे लाइएगा, आपको ग्रीन बर्ड से उसको क्रॉस आउट क्रॉस करना पड़ेगा। जितना आप ग्रीन बर्ड से उसका आउट क्रॉस कराइएगा, वो जो जेनेटिक एरर है वो थोड़ा थोड़ा करके रिकवर होता रहेगा हर बार, क्योंकि ये प्योर वाइल्ड बर्ड है, उसमें प्योर कोई मिलावट नहीं है उसके जीन में, वाइल्ड में पाया जाता है वो। तो उसका जो जीन का स्ट्रेंथ है वो क्या करेगा, आपका जो म्यूटेशन बर्ड का जीन का स्ट्रेंथ वो थोड़ा इन्हांस करेगा। आप ऐसे कीजिए, चार पांच जनरेशन ब्रीड करने के बाद देखिएगा, आप उसका कलर, उसका फेदर स्ट्रक्चर, उसका हुड, उसका बैठने का स्टांस, उसका हेल्थ आप आराम से देख लीजिएगा कि कितना डिफरेंस होता है एक ही सेम स्पीसीज में ब्रीड किया हुआ बर्ड और ग्रीन के साथ आउट क्रॉस किया हुआ बर्ड, कैसा आपको डिफरेंस मिलता है। कोई भी एरर को अगर आपको इरेज करना है, बर्ड में कोई एरर आ गया है, ब्लू फिशर, ब्लू अपलाइन का साइज छोटा हो रहा है, पर्पल अपलाइन का साइज छोटा हो रहा है, मास्किंग आ जा रहा है, आप एक काम कीजिए, उस बर्ड को प्योर वाइल्ड ग्रीन फिशर के साथ लगाइए और फिर आप खुद समझ जाइएगा कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोगों के पास है भी वो ग्रीन फिशर स्प्लिट से लगा हुआ बर्ड है, उसका बेबी भी आपको दिखाऊंगा कि कितना नॉर्मल एक ऑफलाइन टू ऑफलाइन बर्ड के बच्चे के साथ उसका जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो चिक्स है, उसका कितना डिफरेंस आता है आपको देखने से पता। और वाइल्ड फिशर कैसा होता है दादा, आपको बोलेगा वाइल्ड फिशरी हम किसको कहेंगे? वाइल्ड जो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी ग्रीन फिशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड मानते हैं। वाइल्ड वैसे नहीं होता है, किसी भी फिशरी को एक वाइल्ड फिशरी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कम से कम 5 जनरेशन विदाउट एनी म्यूटेशन मिक्स के साथ आपको ब्रीड करना पड़ेगा, ग्रीन फिशर टू ग्रीन फिशर कम से कम 5 साल। अगर 5 साल आप उसको आपस में ग्रीन फिशर के साथ ग्रीन फिशर ब्रीड करा के उसको निकालिएगा, तब वो जाके वाइल्ड बर्ड कहलाएगा। किसी भी बर्ड आप सपोज पकड़ के चलिए, आप किसी ऑफलाइन फीमेल के साथ नॉन ऑफलाइन मेल लगा देते हैं, तो उसमें आपको तो जो मेल बच्चा आएगा वो तो स्प्लिट ऑफलाइन निकल जाएगा, लेकिन जो फीमेल बच्चा आएगा वो नॉर्मल फिशर रहेगा, उसमें कोई स्प्लिट जीन नहीं रहेगा। लेकिन वो बर्ड जो नॉर्मल फिशर निकला है वो वाइल्ड बर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो म्यूटेशन में से निकला है। तो उसमें से ब्लड लाइन रह गया। हाँ, उसमें तो वो म्यूटेशन ब्लड लाइन उसका क्रॉस हो गया ब्लड लाइन ना, ग्रीन के साथ ब्लू बा दूसरा दूसरा ऑफलाइन जीन आ गया उसमें, वो तो वाइल्ड फॉर्म में नहीं रहा ना। इसलिए आप बोले 5 जनरेशन तक वाइल्ड ग्रीन टू ग्रीन को, 5 जनरेशन तक आप अगर ब्रीड करवाइएगा ग्रीन से ग्रीन को, तो उसके बाद जो चिक्स आएगा वो उसका वाइल्ड फीचर कहेंगे। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, ऑफलाइन के बारे में काफ़ी सारा जानकारी हम लोग को मिला, तो एक वीडियो में तो ऑफलाइन काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, अगर वीडियो कवर करेंगे तो सब कुछ नहीं दिखा पाएंगे। तो ऑफलाइन के बारे में और भी जानेंगे हम लोग नेक्स्ट मीट पे बा नेक्स्ट विजिट पे। तो दादा लोग से लास्ट एक बार बात देखने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे, दादा ये जो अपने एल्बिनो एल्बिनो फिशर आपका पास देखा हमने, काफ़ी स्टैंडर्ड बात है दादा, एल्बिनो फिशर भी काफ़ी क्रेज बा काफ़ी डिमांडिंग बा काफ़ी फेवरेट बार्ड है बार्ड हम बार्ड लवरों में। तो आपने एल्बिनो का भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है, काफ़ी अच्छा चीक उठाते हैं, तो इसका अगर कोई अगर चिप नया फेंसर को देना चाहेंगे इजीली कैसे एल्बिनो को बीट किया जाता है? रेड आई बर्ड जो है वो जेनेटिकली बहुत ही वीक बर्ड है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप उसमें एफर्ट डाल लीजिए, वो उसमें मॉर्टेलिटी आता ही आता है। हाँ, आता ही आता है। आज के डेट में अगर किसी के पास आप मान के चलिए जो 5 पेयर आपको एल्बिनो का ज़रूरत है, आप कलकत्ता में घूम के देख लीजिए, किसी भी ब्रीडर के साथ एक साथ 5 पेयर एल्बिनो ऑफलाइन मिलना मुश्किल फिशर। हाँ, एकदम फिशर ही होना चाहिए, तो ये मिलना मुश्किल है। हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है दादा, मतलब मार्क्स एल्बिनो मार्क्स ने एल्बिनो फिशर ये हाँ। ये आपका ऐसा है कि आपका मेलानिन रिड्यूस होने के कारण ये पूरा वाइट हो जाता, आप ब्लू में जो बर्ड है वो पूरा ब्लीच आउट होकर वाइट हो जाता, वाइट हो जाता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कोई दूसरा कलर अगर मिक्स होगा भी। पर फिशर में आपका लुटिनो फिशर में पता चल जाता है, लुटिनो पर्सनाटा में पता चल जाता है उसका हेड का मार्किंग का लेंथ देख के, लेंथ अगर चेस्ट तक आएगा तो फिशर है, अगर गर्दन के नीचे नीचे कट आउट हो जाएगा तो वो मास्क है। लेकिन एल्बिनो में ये बहुत दिक्कत है, एल्बिनो में आपको एक ही प्रोसेस टेस्ट बीट बोलते लोग, लेकिन देखिए टेस्ट बीट में तो 1 साल जाया जाता है, तो कोई ऐसा कोई रखना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। एल्बिनो फिशर
एक ऐसा म्यूटेशन है अभी जो बहुत ही क्रेज चल रहा है जिस चीज़ का, आपका लुटिनो ऑफलाइन, पार्ब्लू क्रिमिनो ऑफलाइन, अगर ये सब बर्ड आपको ठीक ठाक क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है तो आपको कन्फर्म एक अल्बाइनो फिशर ज़रूरत है। अल्बाइनो फिशर अगर कन्फर्म होगा आपके पास तो आप ये सब बर्ड बहुत अच्छे क्वालिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप एक साल इन्वेस्ट भी करेंगे अल्बाइनो फिशरी में, आप आज 5 साल पीछे चले जाइए, अल्बाइनो फिशरी का जो प्राइस था मार्केट में उससे बड़ा है तो कम होगा, बड़ा हाँ बड़ा होगा, घाटा नहीं होगा। लास्ट उन लोगों ने जब ख़रीदा था अल्बाइनो फिशर, मैं दाम बता रहा हूँ, ऐसा मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ दाम, मैंने जब लास्ट ख़रीदा था तो ये आपका 10,500 के करीब दाम पड़ा था। अभी दादा उससे कहीं ज़्यादा दाम है, मैं दाम नहीं बताऊंगा, लेकिन विथ DNA और तो पता सभी को पता, सभी कम ज़्यादा हाँ, हाँ उससे कहीं ज़्यादा दाम है। इसका क्रेज़, रेड आई का क्रेज़ कम होना मुश्किल है, कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी ख़त्म होना मुश्किल। वही कह रहे जो नया सब फैंस के लिए मतलब एक इबादत होता है ना एल्बिनो का, आपने एल्बिनो को इतना अच्छा प्रोग्रेस, इतना अच्छा काम, मतलब इससे हम लोग को ये पता चलता है दादा लोग काफ़ी साइंटिफिक वही थे, ब्रीडिंग करते हैं, काफ़ी कुछ मेंटेन करते हैं। मतलब एल्बिनो को आप एक काम कर सकते हैं, उसका ब्लड लाइन वीक होने से आप एक काम कर सकते हैं, उसको ग्रीन फिशर के साथ ब्रीड कराइए, वही एक बार वही ठीक है, ग्रीन में लेके जाइए, वो तो बेसिकली तो ब्लू बर्ड है ना, एल्बिनो जो है तो बेसिकली ब्लू बर्ड है, तो उसको आप ग्रीन में लेके जाइए, ग्रीन फिशर में एक साल उसको दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए उसमें, उसके बाद उससे जो आउटकम आएगा ग्रीन फिशर जो आएगा वो स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा दोनों पैर लगाइए, दो तरफ लगा के उसको फिर उससे एक बच्चा लीजिए, उससे एक बच्चा लीजिए, उसको पेयर कीजिए, उससे जो एल्बाइनो आपके पास आएगा, इनोजिन भी है ब्लू जिन भी है उसकी ग्रीन फिशर के पास, उससे जो एल्बाइनो आएगा वो एल्बाइनो को आप डायरेक्ट पेयर में लीजिए, ठीक है, इससे आपका आउटकम पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी का भी डेवलप बहुत बढ़ जाएगा, सर्वाइवल रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, कन्फर्म बढ़ जाएगा। तो देखिए ये सारा चीज़ दादा लोग मेंटेन करते हैं, जिसके वजह से इतना क्वालिटी का चिक्स दादा लोग के पास आया है, एक दो साल में नहीं, 8-9 साल से ये लोग दादा इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट किया और मेहनत भी करना है, काफ़ी पेशेंसफुली काम किया तभी जाके आज इतना क्वालिटी चिक्स आ रहा है, और इतना कह सकते आगने वाला साल में धमाका कर देगा, ठीक है, TMAvery इतना कह सकते। तो हाँ, तो चलिए थोड़ा अंदर जाते, थोड़ा बार्ड्स को देखते हैं, कुछ कुछ बार्ड्स के बारे में दादा लोगों से पूछेंगे।